global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. जो बात करें तो गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया है कि रोड पे ना निकला करे, धारा 144 चले। लेकिन अभी हमने भारत नगर में देखा है इसी रोड पे कि पब्लिक ऐसे निकली के बिना खौफ के, बिना डर के, ना धारा 144 सबका उल्लंघन करते हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक? देख, हमारी सरकार ने जो भारत सरकार ने भी महाराष्ट्र सरकार ने भी निवेदन किया है, अगर कोरोना को की साइकिल को तोड़ना है तो आपको 21 दिन घरों में रहना होगा। लेकिन उसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि ये मिडिल क्लास के लोग हैं, सब एकदम हम लोग नीचे तबके के लोग हैं, एक साथ में कई कई हफ्तों का सामान रख नहीं सकते, पैसों का बहुत अभाव हो चुका है। ऐसे में रोजमर्रा की जो जिंदगी का जो सामान है वो लेने के लिए लोग निकलेंगे। कल मैंने निवेदन किया था सबसे, यहाँ के हमारे खेरवाड़ी के पुलिस से भी और बीकेसी पुलिस से भी, कि कम से कम दो घंटे का इनको छूट दी जाए ताकि ये लोग सामान लेके आ सके। और उसके लिए मैंने पब्लिक से भी निवेदन किया था कि आप लोग लंबी लंबी दूरी में करो। लेकिन अभी कैसा है, पुलिस वाले भी कितनी कर सकते, पुलिस वाले भी 3 दिन से 4 दिन से डे नाइट जगे हुए। अभी शायद मेरे को अगर उन्होंने 2 घंटे का दिया होगा, नहीं तो अखा दिन यहाँ पर एकदम शांत रहता है, पब्लिक कम रहती है, अंदर रहते घरों में। अभी शायद 2 घंटे का दिया है तो शायद उनको आज वो लोग निकले होंगे। राजीव, कई 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 अपने शहरों में और गवर्नमेंट ने ऐसा डिक्लेयर किया कि 2-3 महीने की सैलरी वर्करों को डाल दिया जाएगा, तो आपके कामगारों को ऐसा कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो डिक्लेयर ऐसा हुआ है या होने वाला है ऐसा कुछ? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा होती है, लेकिन मेरी समाज के लोगों ने, क्योंकि हम लोग सुबह 5 बजे चले जाते हैं और रात को देर रात आते हैं, अभी तो ये शटडाउन होने की वजह से जल्दी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी समाज को कभी सुविधा नहीं मिली है। मैं सरकार से ये बताना चाहता हूं कि जहां सफाई कर्मचारी आप घर घर जाके पहुंचा सकते हैं, आप अकाउंटों में डालोगे, वो अकाउंटों में उनके आएगा क्या नहीं, उन्होंने ये अपना लॉगिन किया है क्या नहीं, वो हमारे लोगों के पास आज तक भी, मेरे को जहां तक थोड़ी बहुत जानकारी है और जहां तक मैं समझता हूं मेरे समाज के लोगों को, आज भी बैंकों में अकाउंट बहुत सारे कम है। उसके कारण है कि पैसे ही नहीं है तो बैंकों में करेंगे क्या। बैंकों में एक मिनिमम चार्जेस रहता है, अभी वो तो अभी हटा है, लेकिन मिनिमम चार्जेस रहता है 5,000 का। अगर 5,000 तो हमारी सैलरी है हमारे लोगों की, तो बैंकों में तो आएगा नहीं। मेरी सरकार से यही दरखास्त है, आप अगर उनको पैसा ना दे, कम से कम राशन की सुविधा कराए राशन कार्ड से, तो और उसी पे अगर उनको सारा सामान मिले, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, खास करके हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मान्य उद्धव जी ठाकरे और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है बालासाहेब थोरात, मुंबई अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी ने हमें बहुत सारा आदेश दिया हुआ है और आप लोगों के माध्यम से देख रहे कि मैं अपने परिवार के खर्चे में से मैंने 5,000 से 7,000 मार्क्स यहाँ पर बांटे हुए है और बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे आकर लेके गए अपनी अपनी बस्तियों में बांटने के लिए। लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सरकारी सुविधा कुछ है नहीं, लेकिन मेरे समाज के लिए अभी तक कोई आगे आया नहीं है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोगों से निवेदन है मेरा, जो बंबई को इतनी स्वच्छ रख रहे, बंबई को इतनी साफ सुथरी रख रहे और बंबई को इस कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे जो आदमी खड़ा है वो है सफाई कर्मी, और उन सफाई कर्मियों में प्राइवेट सोसाइटी असंगठित कामगार ज्यादा है।
हमारे महानगर पालिका वालों को टाइम पे वेतन मिल रहा है, टाइम पे उनको कुछ सुविधा मिल रही है, लेकिन असंगठित कामगारों में जो हमारे सफाई कर्मी है, जो वाल्मीकि समाज से है, मेघवाल समाज से है, रूखी समाज से है, वो सारे लोगों को क्या प्राइवेट सोसाइटियों में। तो अभी मैंने सुना है, अभी कुछ लोग आए थे मेरे पास कि राजेश भाई हमको बोलते हैं कि आप खाली कंपन से कचरा लो और चले जाओ, लेकिन कचरा लो और चले जाओ उनको कुछ तो उनके सेक्रेटरी वगैरह अध्यक्ष ने चेयरमैन साहब ने उनको पगार तो देनी चाहिए। अभी पगार मांगने के लिए जाते तो बोलते कि रुको जरा थोड़ा ये रुको, तो हमारे लोग खाने के लिए आगे आगे बहुत मुसीबत होने वाली है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कुछ न कुछ ऐसी सुविधा करे कि सफाई कर्मियों को उनके घरों तक वो सुविधा पहुंचाई जाए। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।